अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लॉकडाउन में शिक्षा का हुआ बुरा हाल, अखिलेश यादव ने उठाई मामले में आवाज, कहा अब मिलेगा सरकार को करारा जवाब, लैपटॉप बंद न किए होते तो बच्चे कर लेते ऑनलाइन पढ़ाई, लैपटॉप योजना को बंद कर सरकार ने किया छात्रों को बर्बाद। लॉकडाउन के बीच अगर सबसे ज्यादा किसी का अहित हो रहा है तो वो शिक्षा और छात्रों का है। हालात ये हैं कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए छात्रों के पास कोई संसाधन मौजूद नहीं है। ऐसे में छात्रों और उनके परिवार वालों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा किया जाए और कैसे बर्बाद होते भविष्य को बचाया जाए। वहीं इस बीच सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले में अपनी राय दी और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही सपा की सबसे अहम लैपटॉप योजना को भी याद दिलाया। अखिलेश यादव की माने तो लैपटॉप योजना छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी ताकि छात्रों को आधुनिकता के साथ पढ़ाई करने का मौका मिले, लेकिन सरकार बदलते ही प्रदेश सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया और हालात ऐसे बदले कि अब छात्रों को उसी योजना की याद आ रही है। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए मामले पर कहा कि यदि उत्तर प्रदेश की रूढ़िवादी बीजेपी सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ दुराग्रह न रखते हुए सपा की लैपटॉप बांटने की दूरदर्शी योजना जारी रखती तो कोरोना काल में शिक्षा गाँव गाँव तक पहुँचती रहती। इस भाजपाई गलती ने युवाओं का एक साल बर्बाद कर दिया, जिसका जवाब ये पीढ़ी आगामी चुनाव में देगी। अखिलेश यादव की माने तो अगर लैपटॉप योजना जारी रहती तो लॉकडाउन में छात्रों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती और वो घर बैठकर पढ़ाई कर पाते, लेकिन सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और नतीजा अब छात्र भुगत रहे हैं। छात्रों के बर्बाद होते इस एक साल की कीमत कौन देगा और जो छात्र शिक्षा से महरूम रह जाएंगे उनकी शिक्षा की भरपाई कैसे होगी? तमाम सवाल उठाते हुए सपा प्रमुख ने सरकार को आड़े हाथों लिया है, साथ ही सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। वैसे सरकार लैपटॉप योजना को लेकर तर्क चाहे कुछ भी दे, लेकिन हकीकत यही है कि अगर लैपटॉप छात्रों के पास होते तो आज छात्रों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और उनकी पढ़ाई भी ठीक तरीके से चल पाती। यहां तक कि सरकार को भी इसके लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। ऐसे में अखिलेश यादव के सवालों से सरकार क्या सबक लेगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।